महाराष्ट्र में भयंकर सूखा है, कहा जा रहा है कि 17 से अधिक जिले इसके चपेट में हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी अपने सभी सांसदों और विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मिले थे। हमने प्रसाद काठे को भेजा है इन इलाकों का जायजा लेने के लिए। रोज़ हम एक कहानी इसके बारे में आपको बताएंगे। आज प्रसाद काठे जो है जालना शहर की दास्तान बता रहे हैं। मराठवाड़ा में जालना के लोग सबसे अमीर कहलाए जाते हैं, लेकिन वो पानी के लिए तरसते हैं। अपनी पानी की किल्लत कम करने के लिए उन्होंने शहर की सबसे बड़ी झील से अब मिट्टी उठाने का काम शुरू कर दिया है। जालना की इस घाने वाली झील से हर दिन 700 क्विंटल मिट्टी हटाई जा रही है। लोग अपनी जेब से खर्च कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये मिट्टी हटाने के कारण जो यह टैंक की जो कैपेसिटी थी, वी आर रिगेनिंग दैट कैपेसिटी। और पानी का जो इस आजू बाजू परिसर का जो वाटर लेवल है वह इम्प्रूव होने में भी काफी मदद मिली है। पानी की किल्लत ही कुछ ऐसी है। शहर की सबसे पुरानी पाइपलाइन को फोड़कर पानी निकालना लोग अपनी मजबूरी बताते हैं। मारामारी मची रहती है। मैं सवेरे ड्यूटी को जाती है, दिन भर ड्यूटी से आने के बाद यहाँ आती, फिर यहाँ नंबर नहीं लगता, टैंकर नहीं आते, कन्हे नगर में कोई पानी नहीं मिलता। और एक ही बोरिंग है और पूरा कन्हे नगर एक ही बोरिंग पे पानी भरता है। आपको एक बार फिर बता दें, ये दास्तान मराठवाड़ा के सबसे अमीर शहर की है, जहाँ इस बच्ची को पानी के लिए ऐसी कड़ी मेहनत हर दिन करनी पड़ती है। घरों के नलों में महीने में एक बार पानी आता है। कहते हैं जालना में आपको किसी छोटे व्यापारी के पास भी 2-5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन 2 घूंट पानी मिलना मुश्किल है। शहर जितना अमीर है, पानी के लिए उतना ही गरीब। शहर की आबादी 3 लाख के ऊपर है। नगर पालिका की सत्ता की बात करें तो इस आबादी की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी पिछले 10 सालों तक शिवसेना बीजेपी की थी और अब कांग्रेस NCP की। यहाँ से लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के राव साहेब दानवे, तो विधायक हैं NCP के राजेश टोपे, जो सरकार में मंत्री भी हैं। ये खुला मैदान निजाम के जमाने की झील है जो जालना के लोगों की प्यास बुझाती थी। अब के शासकों ने इसे सूखा छोड़ दिया है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। झील सूखी रह गई तो गांव में पानी के टैंकर चलने लगे। अमीर हो या गरीब, महीने में 1,500 रुपए से 4,500 रुपए खर्च करने के बाद ही पानी मैसर होता है, वो भी सेहत दांव पर लगाकर। पेट में तकलीफ होती पानी पीने से, फिर भी मजबूरी से छान के पानी पीना पड़ता है। महीने भर बाद ही सही, जालना में जब भी किसी को पानी मिलता है तो वो घर के जो भी बर्तन है उसमें उसे संजो कर रखता है। पानी की अहमियत और कीमत जितनी जालना के लोग जानते हैं, हम शहर के लोग शायद ही जान पाए। जानना से कैमरामैन सुहास चौधरी के साथ मैं प्रसाद काथे, NDTV इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.